हाय देयर, ये MKT 621 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है। इसके अंदर सबसे पहले है टाइप ऑफ मैगजीन्स, थ्री टाइप ऑफ ऑडियंस। तो पहली ऑडियंस है कंज्यूमर की। सो कंज्यूमर से मुराद वो लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट बाय करते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए। उसके बाद फिर बिजनेस है, बिजनेस रीडर्स। सो इनके लिए जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं वो कौन सी होती है? ट्रेड पेपर्स। सो ट्रेड पेपर्स जो है वो ऐसी मैगजीन्स होती हैं जो पब्लिश की जाती है स्पेसिफिकली प्रोफेशनल के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेड या इंडस्ट्री के अंदर, और जैसे कि कंस्ट्रक्शन या रियल स्टेट वगैरह है। और इंडस्ट्रियल मैगजीन्स होती हैं जो कि जिनका जो एम्ड होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हैं या प्लांट मैनेजर। और उसके अलावा प्रोफेशनल मैगजीन्स हैं जो कि टारगेट करती हैं प्रोफेशनल को स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कि मेडिसिन, लॉ या एजुकेशन। और इसके अलावा फार्म ऑडियंस है, ये जो मैगजीन्स होती हैं इनका टारगेट होते हैं फार्मर्स, और वो भी लोग हो सकते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कई सारी टाइप्स है। आउटडोर होती है एडवर्टाइजिंग जो कि घर से बाहर होती है, जैसे कि बिलबोर्ड्स हैं, पोस्टर हैं, बैनर्स हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और इसके अलावा ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग होती है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स भी होती है, गाड़ियों पर आप देखते हैं, बसेस के ऊपर खासतौर पर आप देखते हैं, ट्रेन्स के ऊपर भी होती है, सबवे पर भी। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हब्स जैसे कि एयरपोर्ट्स वगैरह या बस स्टॉप्स वगैरह के ऊपर भी होती हैं। इसके अलावा डायरेक्टरीज होती हैं जो कि प्रिंटेड भी हो सकती हैं ऑनलाइन। सो एडवर्टाइज़र जो है वो अपने एड्स लगाते हैं इन डायरेक्टरीज़ में। सो इनके अगर एग्जांपल लें तो येलो पेजेस हैं, ट्रेड डायरेक्टरीज़ हैं, और लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज़ वगैरह इसमें आ जाती हैं। और अब है टेलीविज़न। सो टेलीविज़न जो है वो प्रोवाइड करता है एबिलिटी कम्युनिकेट करने के लिए साइट, साउंड, मोशन एंड इमोशन। सो एक पावरफुल मीडियम है, कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, आप भी देखते हैं, इसमें देख भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं इसमें, और इमोशन वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। सो कई सारी चीज़ें एक साथ इसमें शामिल होती हैं, इसी वजह से ये पावरफुल मीडियम है और अभी तक कंपनीज की फेवरेट चॉइस भी है कई सारी कंपनीज़ की। और ये अलाउ करता है एडवर्टाइज़र को कि वो यूज़ करें विजुअल भी और ऑडियो एलिमेंट भी और कॉम्बिनेशन भी करें। सो इससे ज़्यादा इंगेजिंग एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस का, ज़्यादा इंगेज रहती है ऑडियंस। और उसके बाद है फिर बीइंग विजुअल हैज़ मोर इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। सो लोग जो है विजुअलाइजेशन को ज़्यादा याद रखते हैं टेक्स्ट के मुकाबले में, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो इतना याद नहीं रहेगी जितना कोई वो तस्वीर वगैरह कोई देखेंगे। सो एडवर्टाइजिंग जो है जारी बातें टीवी के ऊपर जब होती है तो इस चीज़ का भी काफ़ी फ़ायदा उठाया जाता है। और उसके बाद है फिर सीइंग इज बिलीविंग बिकम रियलिटी। सो एडवर्टाइजिंग जो होती है टीवी पे तो व्यूअर्स जो है वो देखते हैं प्रोडक्ट को एक्शन में, जो कि एक पावरफुल तरीका है डेमोंस्ट्रेशन का, उसकी फीचर्स का, उसके बेनिफिट्स का। उससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है और क्रेडिबिलिटी होती है ऑडियंस के साथ, क्योंकि वो देख सकते हैं कि वो अपने लिए भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे हमारे लिए काम करेगी। और उसके बाद है कि फिर मेक इजी फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एक्शन। सो ये एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही पर्सुएसिव हो सकती है, स्पेशली जब प्रोमोट किया जाए प्रोडक्ट्स को जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो और या सॉल्व कर सकें वो कॉमन प्रॉब्लम को। सो जो एडवांटेज है टीवी के दूसरे मीडिया के मुकाबले में वो कुछ इस तरीके से है कि प्राइमरी मीडिया सोर्स ऑफ न्यूज़ इसमें 69% है, टीवी न्यूज़पेपर 37 है, रेडियो 14 है और मैगजीन 5%। और क्रेडिबिलिटी जो है न्यूज़ सोर्सेज की, इसके अंदर टीवी 53%, न्यूज़पेपर 23, रेडियो 7 और मैगजीन जो है वो 4%। सो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो है पहला क्रिएटिविटी एंड इम्पैक्ट। सो टीवी कमर्शियल प्रोवाइड करते हैं हाई लेवल की क्रिएटिविटी और इम्पैक्ट, क्योंकि ये जो यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन साइट, साउंड और मोशन का मैसेज को कन्वे करने के लिए। उसके बाद एक कवरेज एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। टेलीविज़न जो एक मास मीडियम है जो कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचता है शॉर्ट टाइम में, और इसी से जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये प्रोड्यूस प्रोमोट करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस। वैसे तो काफ़ी कॉस्ट आती है लेकिन इतनी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ये कवरेज भी इसकी बड़ी होती है। उसके बाद है कैप्टिविटी एंड अटेंशन। सो टीवी एड्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कैप्चर करें अटेंशन जो है व्यूअर्स की और होल्ड करें उनको उनकी कैप्टिव कमर्शियल ब्रेक्स के दरमियान। और उसके बाद है सेलेक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ हद तक टेलीविज़न के अंदर जो है वो टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को और ज्योग्राफिक रीजन्स को। उसके बाद फिर लिमिटेशंस ऑफ टेलीविज़न। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जहाँ इसके फ़ायदे हैं। सो प्रोड्यूसिंग करने की और आयरिंग करने की जो टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर कोई प्राइम टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करता है एक पॉपुलर टीवी शो के लिए या फिर इवेंट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा होती है वो।
लैक ऑफ सिलेक्टिविटी होती है। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो है वो उस लेवल की सिलेक्टिविटी ऑफर नहीं करता जिस तरह की दूसरी एडवर्टाइजिंग में होती है, जैसे कि डायरेक्ट मेल है या फिर जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है इंटरनेट वगैरह पर, उस जैसी सिलेक्टिविटी इसमें भी नहीं है। उसके अलावा फ्लीटिंग मैसेज है, यानी कि एडवर्टाइजिंग जो होती है टेलीविजन की टिपिकली तौर पर फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स के लिए होती है, सो व्यूअर जो है वो हो सकता है मैसेज को याद ना रख सकें और भूल जाएँ, ये भी चांसेस हैं। और क्लटर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजिंग होती है टेलीविज़न के ऊपर कई सारी, सो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी को एक सिंगल एडवर्टाइजिंग जो है वो स्टैंड आउट कर सके, यानी कि उनके मुकाबले में खड़ी हो सके और उसको जो है वो टारगेट ऑडियंस याद रख सके, तो ये भी एक काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और लिमिटेड व्यूअर अटेंशन होती है, यानी कि बहुत से व्यूअर जो है वो क्या करते हैं कि ट्यून आउट कर देते हैं कमर्शियल ब्रेक्स के दरमियान, वो चैनल को चेंज कर देते हैं, और अगर DVR यूज़ हो तो वहाँ पे वो फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं। सो ये भी होता है कि लोग मैसेज जब ऐड चल रहे होते हैं तो वो हटा देते हैं उसको ऐड को, ये भी होता है। और इसके अलावा डिसेप्शन भी है टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको मिसलीडिंग समझा जाता है कि ये जो है मिसलीड कर रहे हैं, डिसेप्टिव है, यानी कि लोग ये समझते हैं कि ये कोई फ्रॉड किया जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, तो इस तरह भी होता है। उसके बाद है फिर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड टीवी कैंपेन, एक अच्छी टीवी कैंपेन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके एक अच्छी टीवी कैंपेन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसमें सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं, जो भी पॉपुलर सेलिब्रिटी होता है टीवी कैंपेन के अंदर उनको लिया जाता है ताकि व्यूअर्स की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। और इसके अलावा ह्यूमर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल से जो है वो लोग जो है उनको टेलीविज़न कमर्शियल जो है वो याद रहता है और इंजॉयबल होता है, लोग इंजॉय करते हैं कमर्शियल को। और स्टोरी लाइन, एक कंपेलिंग स्टोरी जो है वो कैप्चर कर सकती है इमेजिनेशन व्यूअर की और क्रिएट कर सकती है कि इमोशनल कनेक्शन प्रोडक्ट के साथ या ब्रांड के साथ जिसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। और फिर है सिंपल कॉन्सेप्ट, एक टीवी कैंपेन को जो है उसका क्लियर और कॉन्साइज मैसेज होना चाहिए जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सो अब आपके सामने फॉर्म्स ऑफ टीवी एडवर्टाइजिंग, इसकी जो फॉर्म्स है, पहला है स्पॉन्सरशिप। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी या ब्रांड स्पॉन्सरिंग, ब्रांड जो है वो स्पॉन्सर करती है कि स्पेसिफिक प्रोग्राम या इवेंट को। उसके बाद है पार्टिसिपेशंस, पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है कि प्लेसमेंट किया जाता है एड्स को कमर्शियल ब्रेक्स के दरमियान टीवी प्रोग्राम के अंदर। और फ्रीक्वेंट स्पॉट्स होते हैं 5, 10, 30, 20, 20-30 सेकेंड्स के। और स्पॉट अनाउंसमेंट है, अब जो वर्ड स्पॉट है इसका मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर एड जो है वो अपेयर होता है। अब रेडियो एडवर्टाइजिंग है, रेडियो एडवर्टाइजिंग जो है वो इतनी ग्लैमरस तो नहीं है जितना टीवी एड होता है, लेकिन फिर भी ये इफ़ेक्टिव है, इसी वजह से इसको चूज़ किया जाता है। सो पहला तो ये इसका एडवांटेज होता है कि ये लो कॉस्ट है, अब अगर इसको हम टीवी के एड से कंपेयर करें सो ये बहुत ही, इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। और इसके बाद है फिर डिफाइनेबल टारगेट मार्केट बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेट, सो इसके अंदर टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस के मुताबिक भी यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। जैसे कि एक कंट्री का म्यूज़िक स्टेशन है अगर, सो वो अट्रैक्ट करेगा उन लिसनर्स को ही जो कि इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, सो इस तरीके से टारगेट किया जा सकता है। और उसके बाद है फिर रेडियो स्टेशंस ऑफर कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ शॉर्ट लीड टाइम, सो एडवर्टाइजर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने मैसेज को क्विकली और ईजिली, और एड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है विद इन अ मैटर्स ऑफ डे। और उसके बाद है इंटीमेसी लाइक FM स्टेशंस लाइकिंग टू प्रेजेंटिंग DJs etc। सो रेडियो का जो एक यूनिक एबिलिटी है वो है क्रिएट करना सेंस ऑफ इंटीमेसी लिसनर्स और प्रेजेंटर्स के दरमियान। लिसनर जो है वो अक्सर डेवलप करते हैं कनेक्शन DJs के साथ या होस्ट, और फील करते हैं कि वो जो है एक हिस्सा है कम्युनिटी का। और उसके बाद है फिर मोबाइल, मोबाइल जो एक, रेडियो जो एक मोबाइल मीडियम है, मतलब यही है कि लोग इसको सुन सकते हैं कभी भी जब वो ड्राइव कर रहे हो, वर्क कर रहे हो कहीं बाहर, या फिर वो कोई और एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सो एक मोबाइल मीडियम है ये, ऐसा नहीं है कि लोग एक जगह बैठे हैं और फिर जो है वो रेडियो को यूज़ करें,
सो कहीं भी कर सकते हैं रेडियो को, और इसके लिए कोई उन्हें कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरह से इंटरनेट या फिर टीवी के अंदर कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें कोई कनेक्शन की भी ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, और वो ये कि शॉर्ट एक्सपोजर टाइम होता है इसका, ये ऑफ़र करता है एक शॉर्ट एक्सपोजर टाइम ऑडियंस के लिए, और इसके अलावा टारगेट डुप्लीकेशन होती है। सेम मैसेज जो है वो रीच कर सकता है सेम पर्सन को मल्टीपल टाइम, और इसके अलावा ओवरलोडिंग ऑफ एड्स होती है, बहुत सारे एड्स हो सकते हैं, और अक्सर आप देखते हैं कि सुनते होंगे कि रेडियो पे कई सारे एड्स जो है वो चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चलते जा रहे हैं। और उसके अलावा लॉयल लिसनरशिप, सो लॉयल लिसनरशिप को जब एक एडवांटेज के तौर पर देखा जाता है, तो इसको डिसएडवांटेज के तौर पर भी रेडियो, सो लॉयल लीडरशिप जो है वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जहाँ ये एक तरफ एडवांटेजेस को देखा जाता है तो एक तरफ ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि लॉयल लिसनर जो होते हैं वो इम्यून हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग मैसेज को, एंड मे ट्यून देम आउट। अब है मेजरिंग रेडियो ऑडियंस, इसके अंदर कवरेज, कवरेज जो होती है ये मेजर करता है, इसमें मेजर किया जाता है ज्योग्राफिकल एरिया जो कि एक रेडियो स्टेशन सिग्नल जो है वो रीच कर सकता है, और इसको अक्सर जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया जो कि रिसीव कर सकते हैं सिग्नल, स्टेशन सिग्नेशल स्टेशन सिग्नल। उसके बाद है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या है, मेजर है कि नंबर ऑफ पीपल जो सुनते हैं एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। और उसके बाद है फिर कॉम्पिटिंग प्रोग्राम्स, इनके मेजर करना जो ऑडियंस है कॉम्पिटिंग रेडियो प्रोग्राम्स की, वो इम्पॉर्टेंट है एडवर्टाइज़र के लिए, क्योंकि ये हेल्प करती है उन्हें अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ जो है टारगेट ऑडियंस स्पेंड कर रही है अपने टाइम को। और उसके बारे में टाइमिंग ऑफ प्रोग्राम्स, सो मेजर करना ऑडियंस को स्पेसिफिक प्रोग्राम टाइमिंग के दरमियान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है एडवर्टाइज़र को अंडरस्टैंड करने में कि कब जो है उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो सुन रही है रेडियो को। उसके बाद है फिर एडवांटेजेस ऑफ केबल टीवी, केबल टीवी के जो एडवांटेजेस है, पहला है कि कैन बाय टाइम ऑन प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। सो एक जो मेन एडवांटेज है केबल टीवी एडवर्टाइजिंग का, वो ये कि एडवर्टाइज़र जो है वो बाय कर सकते हैं टाइम प्रोग्राम के ऊपर जो कि टारगेट करता है स्पेसिफिक ऑडियंस को। उसके बाद आता है कि कॉस्ट इज लोअर देन नॉर्मल टीवी, जो कॉस्ट होती है इसकी एक ट्रेडिशनल जो टीवी एड चलता है उसके मुकाबले में काफ़ी इसकी कम होती है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो नेटवर्क है टीवी नेटवर्क है उस पर जो एडवर्टाइजिंग चलती है उसके मुकाबले में कम होती है, और इसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, वो भी जनरली तौर पर ज़्यादा अफोर्डेबल है ट्रेडिशनल टीवी एडवर्टाइजिंग के। और उसके अलावा मोर इनोवेटिव प्रोडक्शन पीपल अवेलेबल, सो ज़्यादा इसमें जो है क्या होता है कि एक्सेस होता है एक वाइडर पूल तक होता है जो प्रोडक्शन टैलेंट है। और उसके बाद है मैसेज रीच अश्योर्ड, सो केबल टीवी एडवर्टाइजिंग ऑफर करती है एडवर्टाइज़र को एक अश्योरेंस ऑफर करती है कि जो मैसेज है वो रीच करेगा टारगेट ऑडियंस तक। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं लिमिटेशन भी है, और वो ये है कि लिमिटेड या स्मॉल रीच होती है इसकी, अगर इसको हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल जो टीवी एडवर्टाइजिंग है, और लेस एक्सपीरियंस प्रोडक्शन क्रू, जो प्रोडक्शन क्रू होता है वो लेस एक्सपीरियंस होता है, और इस वजह से भी होता है कि इसका बजट जो होता है वो कम होता है, और उसकी वजह से फिर होता क्या है कि लो क्वालिटी एड्स होते हैं और वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते अटेंशन ग्रैब करने में। और उसके बाद है फिर रीचिंग स्पेसिफिक कस्टमर बट नॉट पोटेंशियल कस्टमर, सो ये तो होता है कि स्पेसिफिक कस्टमर तक तो पहुँचा जाता है, इफेक्टिव है स्पेसिफिक कस्टमर तक पहुँचने के लिए टीवी केबल टीवी एडवर्टाइजिंग, लेकिन ये जो है इतनी इफेक्टिव नहीं रीच करने में पोटेंशियल कस्टमर तक। उसके बाद है फिर ऑडियंस मे नॉट मे बी फ्रैगमेंटेड एंड व्यूअर्स मे स्टे विद द प्रोग्राम फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, सो इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो केबल टीवी एडवर्टाइजिंग है ऑडियंस जो है वो
फ्रेगमेंटेड हो सकती है और व्यूअर जो है वो क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं चैनल को या लीव कर सकते हैं प्रोग्राम को एक छोटे से जो पीरियड है टाइम का उसके बाद ही। सो अब है ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस। पहला है कि एक्सपोजर टू वन एड कैन बी लॉन्ग इफ इनसाइड अ ट्रांजिट व्हीकल। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग ऑफर करता है एक यूनिक एडवांटेज एक्सटेंडेड एक्सपोजर का कैप्टिव ऑडियंस को। और उसके बाद है फिर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि एडवर्टाइजर जो वो रीच करते हैं सेम ऑडियंस को रिपीटेडली, उससे क्या होता है कि बिल्ड किया जाता है ब्रांड अवेयरनेस और रिकॉल। उसके बाद है एड्स आउटसाइड द ट्रांजिट व्हीकल आर सीन बाय लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। सो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग का पोटेंशियल होता है कि रीच किया जाए लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस को। और उसके बाद है फिर एड मैसेज कैन बी टाइमली। सो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग ऑफर करती है एक अपॉर्चुनिटी को कि एडवर्टाइज किया जाए टाइमली मैसेजेस, जैसे कि स्पेशल इवेंट्स हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं और सेल्स प्रमोशन है। उसके बाद है मेथड टेंड्स टू बी क्वाइट इनएक्सपेंसिव। सो अगर दूसरे मीडियम से हम कंपेयर करें एडवर्टाइजमेंट के, जैसे कि टीवी वगैरह है, रेडियो या प्रिंट, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग जो है वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मेथड होता है एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद है एड्स कुड बी समवॉट लाइफस्टाइल टारगेटेड पासिंग थ्रू स्पेसिफिक नेबरहुड। सो डिपेंड करता है रूट के ऊपर ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक नेबरहुड को, और जो कि बेनिफिशियल होगा बिजनेस के लिए कैटरिंग करना एक पार्टिकुलर डेमोग्राफिक को। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं जहाँ एक तरफ फ़ायदे हैं। सो पहला है कि एड डिज़ाइन जो यूजुअली लिमिटेड होता है टू स्पेस ऑफ साइज। सो जो एड डिज़ाइन होता है वो लिमिटेड होता है स्पेस की अवेलेबिलिटी की वजह से, चाहे वो बस हो, सबवे हो या ट्रेन हो। उसके बाद जो दूसरा है वो ये कि पीपल ऑन मास ट्रांजिट आर नॉट जनरली इन अ रिसेप्टिव मूड। सो जो लोग होते हैं मास ट्रांजिट के अंदर वो जनरली तौर पर रिसेप्टिव मूड उनका नहीं होता, वो जो है पे नहीं करते हैं ज़्यादा टेंशन जो एड्स होते हैं उनके आसपास, और लैक ऑफ इंगेजमेंट होती है। और उसके बाद है कि ट्रांजिट एड्स आर हार्ड टू टारगेट और चैलेंजिंग होता है इफेक्टिवली टारगेट करना, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के लोग देखते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले और इंटरेस्ट रखने वाले लोग। और उसके बाद है कि सराउंडिंग्स में डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैसेज। सो जो आसपास की सराउंडिंग होती है, जो माहौल होता है आसपास का, वो भी काफ़ी जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है लोगों को मैसेजेस से। और उसके बाद है कि मास ट्रांजिट एनवायरनमेंट में नॉट सूट मैसेज। सो जो एनवायरनमेंट है मास ट्रांजिट का वो हो सकता है सूट ना करे मैसेज को। अब है आपके पास सामने बिलबोर्ड की एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस। सो जो एक की एडवांटेज है बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग का वो ये कि ये क्रिएट कर सकता है बिग स्प्लैशी मैसेजेस जो कि हार्ड होता है जिनको मिस करना, जिनको भूलना। और एड का जो है वो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट मोर इंटरेस्टिंग, और टेक्नोलॉजी ने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया है। और एड जो है वो रीच करता है बहुत से लोगों को एज दे ट्रेवल सेम रूट एवरी डे। सेम एडवर्टाइजिंग को जो है वो सेम ऑडियंस रिपीटली देख सकती है। उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं जहाँ एक तरफ फ़ायदे हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है हार्ड टू रीच स्पेसिफिक ऑडियंस, तो इनको डिज़ाइन किया जाता है डाइवर्स और लार्ज ऑडियंस के लिए, सो ये जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकते टारगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक या निश मार्केट को। और उसके बाद है क्रिएटिविटी इनहिबिटेड बाय स्पेस लिमिटेशन, सो जो स्पेस होता है वो भी लिमिटेड अवेलेबल होता है बिलबोर्ड के लिए। सो जो डिज़ाइन और मैसेजिंग ऑप्शन होते हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, जो कि इम्पैक्ट करता है क्रिएटिविटी एड की। और उसके बाद है फिर
हार्ड टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस, यानी कि मेजर करना इफेक्टिवनेस बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग की चैलेंजिंग हो सकता है। और उसके बाद ये कि एड में बिकम वेदर्ड एंड वेंडलाइज्ड, सो बिलबोर्ड जो है वो एक्सपोज होते हैं वेदर कंडीशन को और वो इजीली डैमेज हो सकते हैं। और हमारे यहाँ तो बिलबोर्ड्स इतने ख़तरनाक भी हो सकते हैं कि लोगों के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं, वो कभी कभी ऐसा भी होता है। उसके बाद ये कि कॉस्ट थ्रो रीजनेबल कुड बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव बाई इनोवेटिव एडेप्शन, यानी कि जहाँ एक तरफ बिलबोर्ड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, दूसरी तरफ अगर टेक्नोलॉजी के मुताबिक इनको यूज़ किया जाए और ख़ासतौर पर हमारे कंट्री में, तो ये जो है उतने ही मुश्किल भी वो एक्सपेंसिव भी बन जाते हैं। अगर डिजिटल बिलबोर्ड्स वगैरह लगाए जाएँ तो उनको लगाने का खर्चा एक तरफ आएगा बहुत ज़्यादा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो कॉस्ट आएगी और उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी वो अलग। सो उसके बाद है फिर डिफाइनिंग मीडिया मिक्स। सो मीडिया मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन जो है बहुत सी एडवर्टाइजिंग का और प्रमोशनल चैनल का या मीडियम का जिनका यूज़ करते हुए रीच किया जाता है कंपनी की टारगेट ऑडियंस को। उसके बाद है प्रोडक्ट फीचर्स एंड टारगेट मार्केट, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं डिटरमाइन करने में कि कौन सा मीडिया जो है विच मीडिया टू यूज़, कौन सा मीडिया का यूज़ किया जाएगा मीडिया मिक्स में। और उसके बाद ये है बात है कि डिफाइन विच मीडियम इज़ यूजफुल, कि कौन सा मीडियम जो है वो यूज़फुल है। सो इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना कि कौन सा मीडियम जो है वो यूज़फुल है टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए। उसके बाद है क्रिएटिंग क्रिएट स्प्रेड बिटवीन मीडिया एक्सपोजर एंड बजट, यानी कि क्रिएट करना एक स्प्रेड जो है मीडिया एक्सपोजर और बजट के दरमियान, डिसाइड करना कि कैसे एलोकेट किया जाएगा बजट को बहुत से मीडियम्स पर मीडिया मिक्स के अंदर। और उसके बाद एक एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द मार्केट, यानी कि सिचुएशन क्या है मार्केट के अंदर विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन, यानी कि प्रोडक्ट के हवाले से कॉम्पिटिशन के मुकाबले में। सो ऑफन कंडक्ट रिसर्च टू इन्फॉर्म क्लाइंट्स अबाउट द प्रोडक्ट सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट इन द मार्केट। सो कंडक्ट करना रिसर्च को इन्फॉर्म करने के लिए क्लाइंट्स को उनकी प्रोडक्ट सिचुएशन के बारे में और जो परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर, टिपिकली इसके अंदर क्या होता है कि गैदर करना और एनालाइज करना डेटा जो कि रिलेट करता है प्रोडक्ट से, उसके कॉम्पिटिटर से और टारगेट मार्केट से। और इसके अंदर शामिल होता है सर्वेज कंडक्ट करना, एनालाइज करना सेल्स डेटा, मॉनिटर करना सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यूज़, और गैदर करना फीडबैक बहुत से फोकस ग्रुप से और या कस्टमर इंटरव्यूज से। रिसर्च जो है वो ऑनगोइंग हो सकती है क्योंकि मार्केट ट्रेंड जो है वो चेंज होते हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंस भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। सो रिक्वायर होता है कि कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जाए और एनालिसिस किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।